जयपुर में संयुक्त अभिभावक संघ का विरोध प्रदर्शन, जवाहर नगर में माहेश्वरी स्कूल के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिभावकों ने ऑनलाइन एग्जाम कराने का विरोध किया है। सैकड़ों अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। जयपुर में संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया है। ऑनलाइन एग्जाम कराने का विरोध यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि सैकड़ों अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। जयपुर में संयुक्त अभिभावक संघ का विरोध प्रदर्शन, जवाहर नगर में माहेश्वरी स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश शोला। लोकेश, किस प्रकार का यह प्रदर्शन है, क्या कुछ कहना है अभिभावक संघ का? में अभिभावक संघ की ओर से आज जो द्वारा के लिए स्थित माहेश्वरी स्कूल है उसमें प्रदर्शन किया गया। दरअसल अभिभावकों का आरोप है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का एक बार फिर से जो नया स्टेज आ रहा है और उसी के खतरे को देखते हुए ही उन्होंने प्रदर्शन किया है कि जिस तरह से महावीर स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम करवाई जा रही थी उस एग्जाम के विरोध में अभिभावकों ने यह प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से पहले ऑनलाइन एग्जाम दी गई है उसी तरह से एग्जाम दे और साथ साथ अगर ऑफलाइन एग्जाम दी जाती है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से सुनिश्चित पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क रहे, सब कुछ स्कूल प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से इस तरह की सतर्कता नहीं बरती गई और उसी को देखते हुए ही अभिभावक संघ ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो स्कूल संचालक लगातार जो स्टूडेंट को बुला रहे थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, ऐसे में कई बार कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है वो बढ़ जाता है। वहीं अब जिस तरह से नया कोरोना का स्ट्रेन आ रहा है, कोरोना का खतरा जिस तरह से जानने को मिल रहा है उसी को देखते हुए ही अभिभावकों ने पहले से ही सतर्कता दिखाई और स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया कि वो जिस तरह से ऑफलाइन जो एग्जाम करवा रहे हैं वो नहीं करवाकर ऑनलाइन एग्जाम करवाए। अगर ऑफलाइन एग्जाम करवाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और उस तरह से सुनिश्चित पालन करवाया जाए जिस तरह से पहले एग्जाम करवाई गई उस तरह से ही एग्जाम करवाया जाए। जी बिल्कुल। तो वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन क्या कहना है, उनका क्या कहा जा रहा है उनकी ओर से? जी देखिए, स्कूल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया है उसको देख रहे हैं कि किस तरह से अगर नई जो ऑनलाइन एग्जाम करवाई जाती है किस तरह से करवाया जाए, उन सभी बातों को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा और उसके अनुसार ही आगे का निर्णय स्कूल प्रशासन की ओर से लिया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश शोला, जिन्होंने बताया कि लगातार अभिभावकों का विरोध देखने को यहाँ पर मिल रहा है। गाइडलाइन की पालना कहीं न कहीं नहीं होने की बात कही जा रही है, तो वहीं ऑनलाइन एग्जाम का भी यहाँ पर विरोध किया जा रहा है।